सब, होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ऐसे ही सेफ रहिएगा, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, क्योंकि अभी जो है वातावरण ही कुछ ऐसा चल रहा है कि घर में रहना ही सेफ है। और गाइज, सुबह सुबह के मेरे जो काम है, पेपर पढ़ना, चाय पीना, भजन सुनना, और स्वामी जी को अनार छील के देना, मतलब उनके नाश्ते की तैयारी करना, वो सब काम मेरा हो चुका है। थायराइड की गोली खाना, ये सब काम मेरा हो चुका है। और अब मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि पापा जी आ चुके हैं। और पापा जी इतने दिन गांव थे, पर अभी वो राखी पर वो आ गए थे, राखी के दिन वो आ गए थे। तो बस वो जल्दी खाना खाते हैं, तो बस खाने की तैयारी करूँगी। सब्जी मैंने काट ली है, आज मैं टिंडोरी की सब्जी सोच रही हूँ बनाने की, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि एक सब्जी मैं काट चुकी हूँ। तो चलिए, एक गिलकी तरोई, जिसको आप गिलकी बोलते हो या क्या बोलते हो, नैनवा बोलते हैं कई जने, और जिसको हम लोग तुरई भी बोलते हैं, जिसके ऊपर धारी धारी नहीं होती, प्लेन होती है वो, उसकी सब्जी मैं बना रही हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि साथ में एक टिंडोरी भी बना लूँ मैं, नहीं तो वो लाल लाल हो जाएगी, पक जाएगी वो। तो चलिए मिलते हैं लास्ट में, एंड में, क्योंकि जो मैंने टाइटल डाला है वो उस टाइटल के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे वीडियो में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो बस यहाँ पर ये देखिए, गिलकी है, तरोई भी होती है जिसकी लंबी लंबी धारियाँ होती है, ये गिलकी है। और हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी है, इस वजह से मैं इतने दिनों से मंगा नहीं रही थी। 80 रुपये किलो थी इतने दिन, अभी 60 रुपये किलो है, तो आधा किलो मंगवाई है मैंने 30 रुपये की। और ऐसे बारीक बारीक छील के बारीक बारीक टुकड़े कर लिए। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेफ साइज़ रख सकते हो, गोल चौक गोल रख सकते हो, बारीक बारीक और बारीक कर सकते हो, बड़ा बड़ा रख सकते हो। और फिर मैंने टमाटर काटा है, प्याज काटा है, आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हो। और टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची नहीं थी मेरे पास, तो सूखी लाल मिर्ची और लहसुन का मैं पेस्ट बना रही हूँ। तो उस पेस्ट से मैं ये सब्जी चोकूंगी, बहुत अच्छा टेस्टी लगेगा गाइस। और नहीं, अगर आप पेस्ट नहीं बनाना चाहते हो, तो तेल में राई जीरा डाल के, और आप जो है प्याज हरी मिर्ची डाल के, और फिर सब्जी डाल के मसाले डाल लीजिए, अगर पेस्ट आप नहीं ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हो तो। बट हमारे अब पापा जी आ चुके हैं, तो पापा जी को मिर्च मसालेदार ही सब्जी ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मुझे ऐसी बनानी पड़ती है। और ये देखिए, यहाँ मैंने राई जीरा डाल के और प्याज और आलू डाल दिया था, और प्याज थोड़ा सा ब्राउन कलर का हुआ तो आलू डाल दिया, और फिर ये मसाला डाल दिया मैंने, मसाला यानी जो पिसा था ना वो वाला। और अब सूखे मसाले डाल देंगे, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, इसकी क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हो, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ये डाल सकते हो। और बस यहाँ पर फिर इसको पकने देंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे, उसके बाद में हम इसमें तुरई डालेंगे। तुरई की सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है, और तुरई खुद भी पानी छोड़ती है। और अगर आप रसेदार सब्ज़ी खाना चाहते हो तो आप उसमें खूब सारा पानी डाल दीजिए, और अगर नहीं खाना चाहते हो तो आप इसको ऐसे ही रखिए, इसमें पानी मत मिलाइए, क्योंकि ये तुरई गिलकी जो है अपने आप ही पानी छोड़ देती है। और मुझे बहुत टेस्टी लगती है ये सब सब्जी। और ये देखिए यहाँ पर, और ये सब्जी बन गई, इसको ढक ढक के मैंने पका लिया है, और ये सब्जी हमारी बन गई है देखिए। और बस अब जो है सब्जी बन गई, अब चपातियाँ सेकनी है, छाछ दे दूंगी, दही में चीनी डाल के लेंगे तो वो दे दूंगी, अचार लेंगे या नमकीन लेंगे तो वो दे दूंगी साथ में पापा जी को, और स्वामी जी का टिफ़िन पैक कर दूंगी। और टिफ़िन राकेश लेके जाते हैं, राकेश यानी मेरा भतीजा, वो लेके जाता है टिफ़िन, तो बस वो आएगा और लेके चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पापा जी की छाछ, सब्जी और मोटी मोटी रोटी दे दी, और साथ में मैंने नमकीन भी भिजवा दी थी, उनको चाहिए तो वो ले लेंगे। और उसके बाद में ये दिन का टाइम है, यहाँ मक्खन निकाला था मैंने, मैंने गाइस जो मलाई होती है ना उसमें थोड़ा दूध डाल के और थोड़ा सा जामुन डाल दिया, तो वो फिर उसको मिक्सी में चला लिया, तो वो मक्खन बन गया। अब इस मक्खन को मैं गरम करूँगी और घी बनाऊँगी, और फिर इस घी को, ये प्योर शुद्ध घी है गाइस, प्योर है ये घर का, और बस ये झाग झाग थोड़े जल जाए, उसके बाद में घी को ठंडा होने के बाद में डिब्बे में भर लूँगी। तो ये देखिए, ये घी हमारा बन चुका है, तो छान के डिब्बे में भर लीजिए, तो ये हमारा घी बन के तैयार है। घी कितना महंगा हो रहा है गाइस, तो इस तरीके से आप बचत कर सकते हो घर पे घी बना के। और
दूध भी काम आ जाएगा, मलाई भी काम आ जाएगी। और ये देखिए, और मैं तो दूध से दही भी जमाती हूँ क्योंकि सभी जने दही खाते हैं, पापा जी छाछ खाते हैं। और ये देखिए घी मैंने भर लिया है। और अब फिर देखते हैं, पॉपकॉर्न बनाए थे बच्चों ने, और पॉपकॉर्न खा लिए थे। मैंने चाय के साथ टोस्ट लिया था एक, तो बस भाई आम का जूस बना दो, पर बोले अब टेस्ट अच्छा नहीं आज लगता आपसे तो मेरे को नहीं बात करने में बनाएंगे बहुत शायद। दिन हो गए, तो सोचा क्यों ना मैं आज बात कर लूँ। ये ट्यूब लगाई है अभी अभी, मेरे जो कंधे में प्रॉब्लम है उसके लिए। और सब्जी छोंक के आ गई हूँ मैं, और करीब करीब मेरा सारा काम हो गया है। झाड़ू लग गई है और पोछा लगाना अभी बाकी है। बर्तन मच गए, आटा लगा के आ गई हूँ और दूध चढ़ा के आ गई हूँ गैस पे। और सब्जी बन रही है अभी, बनी नहीं है, सिम पे करके आ गई हूँ। पर मैंने सोचा चलिए इससे पहले मैं बात कर लेती हूँ, तो ये क्लिप मैं लास्ट में जोड़ूंगी। तो आप सब पूछ रहे थे कि जो मकान जिसमें मैं रह रही हूँ वो रेंट का है या जो है आपका खुद का है खरीदा हुआ? तो जी हाँ, ये हमारा खुद का खरीदा हुआ है, हम रेंट पे नहीं रहते हैं और खुद का खरीदा हुआ है ये। और बहुत दिन हो गए थे आपसे बात करे हुए गाइस, और मैं चाहती थी आपसे बात करूँ पर रोज कर नहीं पाती हूँ, टाइम भी नहीं मिल पाता इतना। और फिर ये जो है लेके पकड़ के और इस तरीके से इसको स्टैंड में लगा के फिर बात करी जाती है, ऐसे मैं हाथ से पकड़ के रखती हूँ तो फिर मेरा हाथ में दर्द हो जाता है। और आप सभी को पता है कि मेरा अभी थोड़े दिन पहले ऑपरेशन भी हुआ था, यूट्रस निकलवाई थी। और गाइस हमारी कॉलोनी में 3 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो बहुत डर लग रहा है। और चलिए मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय।